समागम की बांधवी गाथा है। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलमय प्रकरण है, महत्वपूर्ण प्रकरण। अपनी जो चर्चा चलती है वो केवल जानने मात्र का विषय नहीं है, पर वह श्रद्धा का विषय है। जो प्रकरण चलता है उसके संबंध में आगम में दो प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है। एक तो ये कि जैसा इसमें प्रतिपादन किया है कि रागद्वेष सुख दुखादि अवस्था युगल कर्म के उदय का स्वाद है, एक तो ये। प्रारंभ में हम जब अपने दर्शन का अध्ययन करते हैं तो रागद्वेष सुख दुखादि ये आत्मा की ही पर्याय हैं, ऐसा मिलता है। ये विषय है जानने का, अर्थात रागद्वेष सुख दुख आदि कहाँ उत्पन्न होते हैं और इनको कौन किस तरह उत्पन्न करता है, एक तो ये विषय हुआ। दूसरा ये कि ये उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिस वस्तु में उत्पन्न होते हैं उस वस्तु से इनका मिलान भी होता है अथवा नहीं, ये उस वस्तु के स्वभाव के अनुकूल हैं, अनुरूप हैं या उससे विपरीत हैं। ये दो बातें खास उत्तरदायित्व की, हमारे चिंतन का जो उत्तरदायित्व है उसमें ये मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। दो प्रकरण अपने सामने आए। प्रारंभ में हमने जब जनागम पढ़ना शुरू किया, जब किसी ने हमें पढ़ाना शुरू किया तो पहली बात आई कि राग द्वेषादि ये विकारी पर्यायें आत्मा में ही उत्पन्न होती हैं, आत्मा ही इनको उत्पन्न करता है और वह अज्ञान दशा में होता है। एक बात तो ये आई। अब वास्तव में किसकी है? भोजन की है, क्योंकि वह मुंह हो और खट्टी डकार आवे ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन भोजन के बिगड़ने पर वह कार्य होता है, उसके बिना नहीं होता। तो उसके बिना नहीं होता इसलिए वह उसी का है। अब आगे जाके ये प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है, इस पर विश्वास हुए बिना मोक्ष मार्ग का एक भी चरण प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए ये तो अच्छी तरह से हृदय में बिठा लेने लायक बात है। उदय का कर्म के उदय का स्वाद है, कर्म पकता है वो फूटता है और तब उसमें से राग द्वेष और सुख दुख पैदा होते हैं। कौन से नए का कथन है? निश्चय नहीं का। और पहले कौन से नए का था? पहले भी निश्चय नहीं का था। लेकिन अब वो व्यवहार हो गया। रागद्वेष सुख दुख आदि ये मेरे में उत्पन्न हुए हैं, मैंने ही उत्पन्न किए हैं, यह निश्चय नहीं का कथन है। लेकिन जब ये जाना कि ये मेरी सत्ता से विपरीत हैं, मेरी सत्ता का ये भक्षण करने वाले हैं, ये उसका हनन करने वाले हैं, ऐसा जब जाना तो फिर आत्मा और रागद्वेष के बीच में एक संधि पैदा हो गई। संधि तो थी सही, न्यारे न्यारे तो थे ही, अब ये जानने में आया कि इनके बीच में संधि है और ये आत्मा से न्यारे हैं,
जो आत्मा से भिन्न प्रकार के हैं वे आत्मा नहीं हो सकते, बल्कि वे पराये हैं। पराये हैं तो फिर वे अचेतन और पुद्गल हैं। ऐसा जाना तो अब ये निश्चयनय का विषय हो गया। तो पहले वाला जो निश्चयनय का विषय था वो व्यवहार हो गया। अब वो अब ये कहना, अब भी कहते हैं जब ये निश्चयनय प्रकट हो जाता है तब भी ये बात ज्ञान में भी आती है और राग में भी आती है। बहुत राग द्वेष होते हैं, अभी तो बहुत दुख बाकी है, अभी तो मुक्ति में कितना विलंब हो रहा है, इत्यादि इत्यादि विचार ज्ञानी को भी आते हैं। लेकिन ये सब व्यवहार नहीं के, क्योंकि उसको भीतर से मालूम है कि एक फूंक में ये सारा संसार है ये समाप्त हो जाएगा। जैसे वो जादूगर लगाता है ना फूंक, अब मुझे ऐसी कला आ गई है कि अब ये संसार की सत्ता रहने वाली नहीं है। हमको कछु भय नाही, जान लियो संसार, जान लियो संसार। ये बात गंभीर है। जान लियो अर्थात मैंने संसार के रहस्य को, संसार के मर्म को, संसार की शक्ति को, संसार की गहराई को मैंने जान लिया है। कि पहले मैं इसे महासागर समझता था, अब तो यह जरा सा खड्डा है, ऐसा मैंने जान लिया। इसलिए मुझे भय नहीं। भय कब जाएगा? महासागर मानेगा तो भय नहीं जा सकता, लेकिन खड्डा मानेगा तो भय ही नहीं। इसमें क्या है? इसको तो जो है एक जानवर का छोटा सा बच्चा ही लांग सकता है, मेरे लांगने में क्या है? वो तो पुल तो राम के लिए बनाना था, हनुमान को थोड़ी पुल बनाना था समुद्र। अरे कि इसमें क्या है, इसको लांगने में क्या है? दुनिया को दिखता था, अरे सागर कैसे तिरो, सागर कैसे तिरेंगे। तो ये समस्या दूसरों की थी, हनुमान की नहीं थी। हनुमान को तो था कि ये क्या है, तो गड्ढा है, इसे समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं इसको। इसी तरह ज्ञानियों के लिए अब सचमुच संसार की सत्ता ही नहीं रही, क्योंकि संसार तो इस परिणाम में था कि ये राग द्वेष सुख दुखादि ये मेरे कर्म है, ये मेरे स्वाद है। यहां था संसार, संसार का जो है ना खास मुंह उद्गम, वो गोमुखी जहां से गंगा निकलती है ना, क्या कहलाती हो, गंगोत्री, वो गंगोत्री यहां है संसार की, यहां से निकलती है। तो वो भी ऐसी होती होगी नदी की बड़ी धार की तरह होती है क्या वो गंगोत्री है? उसका तो मुंह छोटा है, हमने तो देखा नहीं, पर है तो छोटा उसका मुंह, लेकिन वो 24 घंटे बहती रहती है और उससे वो सारी गंगा वो ऐसी विस्तार को प्राप्त हो जाती है और सदा सजल रहती है, उसका प्रवाह कभी शुष्क नहीं होता। इसी तरह यहां से वो निकलती है कि राग द्वेष सुख दुख आदि मेरे हैं। कि पहले तो तुम इनको अपना कहते थे, आज इनको पराया कहने लग गए कि हाँ वे दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, जब हम नहीं समझते थे तो हम ये बात करते थे, आज हमको ये बात समझ में आ गई तो हमें मालूम हो गया। और जब हमने भीतर से इनका परीक्षण किया, डायग्नोसिस किया, विश्लेषण किया ज्ञान की लेबोरेटरी में, तो ये पाया कि इनमें तो आत्मा का कुछ भी नहीं, इसलिए ये आत्मा नहीं है, ये तो किसी अन्य का स्वाद है, अन्य का स्वाद है, मैंने पुद्गल का स्वाद है, क्योंकि वह पुद्गल कर्म के उदय के बिना नहीं होता। इसलिए 5 अजीव तत्वों में उसको पुद्गल का स्वाद माना गया, जिसके बिना वो नहीं होता वो उसी का है। तो ये पुद्गल कर्म के उदय के बिना इसका जन्म नहीं होता, इसलिए ये उद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। ये श्रद्धा अब
प्रारंभ करना है, वो गई वो श्रद्धा। तो रागादि कोई पत्थर में थोड़ी पैदा होते और कर्म में थोड़ी पैदा होते, हाँ वास्तव में नहीं होते, लेकिन वह गेय तत्व था, वो सिर्फ जानने मात्र का विषय था, क्योंकि उससे ये पता लग गया कि पैदा तो होते हैं, पहले इनके ठिकाने का तो पता चले तब ना बाण चलेगा अनुभूति का। इसलिए यह तो पता चले कि ये पैदा कहाँ होते हैं, तो पैदा होते हैं तो जहां पैदा होते हैं तो उसको उसके नाम से भी पुकारा जाता है और उसको उसका स्वामी भी कहा जाता है, उसको उसका कर्म भी कहा जाता है। जैसे खेत तो मिट्टी का बना हुआ होता है और जो धान्य है वो उससे बिल्कुल अलग चीज होती है, पर हम ये कहते हैं कि ये चावल का खेत, चावल का खेत है और ये इस खेत के चावल हैं। खेत के चावल होते हैं, तो उस समय भी हमें तो हिचक है ना। उसी तरह है, जिस समय हमने ये कहा तो उस समय भी एकांत नहीं था, उस समय हमने ये स्वीकार किया कि राग द्वेष आदि हमारे अज्ञान से हमारे भीतर पैदा होते हैं, लेकिन इतना ही एकांत नहीं था उस समय भी, जानने के समय भी, क्योंकि हम जानते थे कि ये महा दुख और आकुलता पैदा करने वाले हैं, इसलिए इनसे तो एक दिन मुक्त होना ही है, इस तरह का अनेकांत वहां भी पड़ा था। इसलिए उनका हेयत्व और उनके विपरीत जो शुद्ध तत्व है उसकी उपादेयता वहां भी हमारे विचारों में पड़ी थी। अगर केवल इतना ही होता कि ये तो आत्मा के ही हैं, तो वो तो एकांत अनादि का है ही, उसमें कोई नई बात पैदा नहीं हुई। इसलिए वो अनेकांत ध्यान रखना चाहिए। तब यहां से सच्चे विश्वास का कार्य प्रारंभ होता है। कर्ता कर्म अधिकार है, देखो कर्ता कर्म अधिकार में जो आत्मा में उत्पन्न होता हुआ और आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ कर्म देखा जाता है, आचार्य आगे चलकर उससे इनकार हो जाते हैं, बोले तुम्हारा काम नहीं, तो मैंने शुरू तो कर दिया। ऐसा कई लोग कहते हैं ना कि मैंने जूते की दुकान तो लगा ली है, क्या करें, कि तुम तो महाजन हो, जूते का धंधा करते हो जिंदे जानवरों का, ऐसा दुकान लगा तो ली, लगा ली तो उठा दो सबसे पहले ये, लेकिन सबसे पहले ये मानो कि ये मेरा कर्म नहीं, पहले तुमने ये माना कि ये मेरा कर्म है, आखिर कमा कर तो खाना है, तो तुमने लगा ली, लेकिन वह बहुत बड़ा अज्ञान और भूल थी। अब जब ये समझ में आता है कि वास्तव में ये महाजन का कर्म तो नहीं है, तो ये कर्म नहीं है ऐसा जानते ही ममत्व तो जाता रहा। अब अली दुकान दो चार दिन में उठे तो चारित्र हो जाएगा, स्पर्श गुण की है कि नहीं, हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नर्म, ये किसकी पर्याय है, स्पर्श गुण की पर्याय है, क्योंकि इनमें चेतना नहीं, इनमें ज्ञान नहीं, ठीक है। उसी तरह राग द्वेष सुख दुख ये सारे के सारे चूंकि इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें सुख नहीं है, इसलिए सबकी सब किसकी पर्याय हुई, कहते हैं आत्मा की तो नहीं, तो फिर किसकी है, कि हम तो ये भी तलाश नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तलाश करेंगे तो उसमें हमको समय लगता है, हमें तो समझ में ही आ गया कि ये हमारे नहीं हैं, तो हमारा तो केवल शुद्ध चैतन्य है, इसलिए हमें तो अब केवल उसी में रमण करना है। अब हम ये तलाश करेंगे ये किसकी है, तो इसमें तो हमारा समय बर्बाद होता है, लेकिन फिर भी जिनवाणी ने कह ही दिया है, सर्वज्ञ ने कह ही दिया है, तो हम भी कह देते हैं कि तो पुद्गल की, कहीं अपनी चीज अपने को पहचान कराना हो, पुलिस में सैकड़ों चीजें रहती है ना चोरी गई हुई, तो अपनी चीज पहचान कराना हो तो अपन क्या करते हैं, पहले तो उन सबको देखते हैं 100-200 वस्तुओं को,
या उनमें से अपनी चीज तलाश करके उसको टप से उठा लेते हैं, कहते हैं साहब मेरी तो ये। अब हमसे कहा जाए कि ये बताओ सबसे पहले कि ये किन की है, 199 कि ये तो हमको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो वहां कोई आपत्ति की जाएगी हमारी वस्तु देने में? ठीक है, पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता तो चोर को होता है सबके घरों का, तो पता नहीं है वो बहुत अच्छा, हमने तो अपनी चीज उठाई, बाकी किसकी है ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां तो श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए कहा कि ये सारे के सारे आत्मा के स्वाद तो नहीं है, किंतु आत्मा से अत्यंत भिन्न होने के कारण, अब अत्यंत भिन्न का ना बिल्कुल शीत उष्ण की तरह, जैसे शीत और उष्ण अत्यंत भिन्न है, भिन्नता कितनी करना, जैसे शीत और उष्ण से हमारी आत्यंतिक भिन्नता है, आत्मा को कभी गर्मी लगती नहीं, आत्मा को कभी सर्दी लगती नहीं। आत्मा भले ही ये माने अपनी पर्याय में, अपने ज्ञान में ये अनुभव करे कि ठंड बहुत है और मुझे लग रही है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को निमोनिया कभी नहीं होता, तो बोलो कहां लगी फिर? दोनों, अब दोनों में से झूठा कौन रहा? जुकाम कहां हुआ आत्मा के प्रदेशों को? प्रदेश वस्तु है ना, स्वयं आत्मा के प्रदेश, तो फिर आत्मा को अगर सर्दी लगे तो जुकाम होना चाहिए कि नहीं? गर्मी लगे तो हैजा होना चाहिए कि नहीं? तो हुआ नहीं हुआ? तो अब दो चीजें हो गई, एक तो कहने वाला और एक वस्तु, दोनों में सच्चा कौन? तो वस्तु सत्य है और वो श्रद्धा और कथन झूठा है, इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है। जैसे शीत और उष्ण वे पुद्गल से अभिन्न है, उसी प्रकार राग द्वेष सुख दुख ये भी पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। आत्मा से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न है अर्थात कोई रूप रंग प्रकृति गुण धर्म इनके मिलते नहीं, नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल अलग है, न्यारे हैं। जैसे इंग्लैंड का आदमी हो और एक हिंदुस्तानी हो तो जब समझ में आ जाता है, या कोई ज्यादा जोड़ लगाना पड़ता है? अरे ये तो है, गोरा है, अंग्रेज है, क्योंकि उसका सब कुछ अलग होता है। और जो भारतीय हिंदुस्तानी होता है तो उसमें तो कोई न कोई चिन्ह, अगर वो गोरा भी हो तो भी उसमें कोई न कोई चिन्ह तो भारतीयता का ढूंढा ही जा सकता है, इसलिए अत्यंत भिन्न है। तो ये फिरंगी है, यूं कहना चाहते हैं आचार्य, ये विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, राग द्वेष सुख दुख, इसलिए इनके साथ मित्रता मत करो, प्रीति मत करो। और आत्मा से अब अपना ये जानकर, ये सब कुछ जानकर, पहले से लगाकर ये आज तक ये दो बातें हमने जानी, तब इनमें से प्रति समय हमारा वजन कहां होना चाहिए? बोलो, अनेकान चलना चाहिए ना, निश्चय से ऐसा व्यवहार से क्या होना चाहिए, कहां वजन होना चाहिए दोनों में? ये तो हमारा उत्तरदायित्व तो है, लिख दिया है तो जिनवाणी ने, तो लेकिन ये उत्तरदायित्व हमारा है कि दोनों में से हम चुनाव करें कि हमारी श्रद्धा का जोर कहां पर हो। और बात बिल्कुल उल्टी लगती है कि ये पत्थर के कहां से आए राग द्वेष सुख दुख, हमने पत्थर में तो कभी राग होता देखा नहीं, यहां तो पत्थर में राग बता रहे हैं, राग को पत्थर का बता रहे हैं, लेकिन साबित कर दिया ना आचार्य कि जो आत्मा नहीं है और जिसमें आत्मा का कुछ भी नहीं है तो वो कौन है? बोलो बताओ कि वह वास्तव में आत्मा से भिन्न अचेतन और जड़ है और उसमें भी वह पुद्गल है, इसलिए पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है।
आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार स्वामित्व का परित्याग कर देने पर कर्ता कर्म का परित्याग हो जाता। जब तक स्वामित्व रहता है तब तक कर्ता कर्म नियम से चलता है। जब स्वामित्व का परित्याग हुआ तो कर्ता कर्म का अंत। जब स्वामित्व ही नहीं है तो फिर हम उस घर में क्या करेंगे, कौन सा कर्म हमारा होगा वहां। इसलिए राग द्वेष सुख दुखादि ये जो कर्म हैं, ये कर्म आत्मा से अत्यंत भिन्न होने के कारण आत्मा का इनके प्रति स्वामित्व नहीं है और ये आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसी ज्ञान और श्रद्धा इसकी निरंतरता हो तो कुछ ही क्षणों में सम्यक दर्शन, बल्कि वर्तमान क्षण में आत्मानुभूति हो, क्या करेंगे इनको। और इसके बाद भी ये रहते हैं, ये रहते हैं और ज्ञान में भी आते हैं। यह भी मालूम होता है कि आत्मा में आत्मा की दुर्बलता से उत्पन्न हो रहे हैं। देखो ये श्रद्धा हो जाने के बाद की बात करते हैं। ज्ञान दशा, आत्मानुभव की दशा हो जाने के बाद भी जो राग द्वेष आदि रहते हैं उनके प्रति क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहेंगे? आत्मा के ही कहेंगे कि आत्मा में आत्मा की दुर्बलता से पैदा होते हैं। लेकिन ये जो कथन और ज्ञान है ये व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है, मेरे से नहीं तोड़ेगा, एक तरफा चल जाएगा व्यवहार, संभव नहीं है। इसलिए परस्पर में ये जानना भी इतना महत्वपूर्ण हुआ कि इसके जान लेने पर अर्थात स्वीकार कर लेने पर अर्थात इसका विश्वास कर लेने पर, विश्वास शब्द है वो नहीं सम्यक दर्शन, पर इसका विश्वास कर लेने पर कि निश्चित रूप में ये मेरा ही कुकर्म है, ये जान लेने पर फिर इसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि असंभव हो जाता है। क्योंकि वो जान लेता है कि ये कुकर्म है और कुकर्म वो मेरी परिपाटी, मेरी परंपरा, मेरी कुल परंपरा और मेरी सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता पवित्र है, ये अत्यंत अपवित्र हैं, तो मेरी सत्ता तो इनको छूने लायक भी नहीं है। अपवित्र को कैसे छुए, चाहे वो घर में हो तो उसको भी नहीं छुए, चाहे वो बाहर हो तो उसको भी नहीं छुए। छुए हमारा एक बच्चा हरिजन को छूकर आया तो हम घर में भी उससे दूर रहते हैं और नीचे सड़क पर जो हरिजन है उससे भी हम दूर रहते हैं। तो इसी तरह जो अन्य पदार्थ हैं उनसे तो हम दूर हो ही गए, ये स्वीकार कर लेने पर कि ये मेरी ही गंदी आदत, मेरा ही अपराध और मेरा ही कुकर्म है, तो दूर हो गए। अब ये एक गंदी संतान हमारे भीतर हमारे घर में ही रही तो उसके साथ भी हम ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं कि जैसा उस अन्य के साथ करते हैं। जैसे वो हरिजन छूने लायक नहीं, इसी तरह यह बालक भी छूने लायक नहीं। जैसे हम हरिजन को छूकर अपने आप को गंदा महसूस करते हैं, ठीक उतना ही इस बालक को छूकर, बच्चे को छूकर हम उतनी ही गंदगी अनुभव करें। और जैसे हम हरिजन को छूकर नहाते हैं तो हम उतने ही नहाएंगे उसको छूकर भी। इसलिए इन दोनों में हम कोई अंतर, अपनी जो पवित्र निर्मल एक चमत्कारिक सत्ता है उसका बोध हो जाने पर ज्ञान में, ज्ञान के विकल्प में, विचार में, चिंतन में,
उसका अनुभव हो जाने पर फिर इसके बाद ये सारे के सारे पराये लगने लगते हैं। एक तो अत्यंत पराये, एक ऐसे पराये जिनको हम कहते तो अपने हैं लेकिन मानते पराये नहीं। घर का एक सदस्य अनाचारी हो जाए और वो घर से निकल जाए, मान लीजिए पिता ही है, पिता अनाचारी हो गया, घर से निकल गया, बच्चा स्कूल गया, उसको पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम, तो क्या बताया, कोई दूसरा ढूंढ लेगा, नाम तो वही बताएगा ना। अच्छा, अब इसके हृदय से पूछो कि मेरा तो कोई पिता अब नहीं। वो दिन गए कि जब मेरे और इनके आत्मीय संबंध थे, लेकिन अब चूंकि आचारों में, प्रवृत्तियों में, विचारों में, मान्यताओं में अत्यंत फर्क पड़ गया है, इसलिए ये कहे जाने पर भी सचमुच इनके साथ मेरा अब कोई संबंध नहीं रहा, और हम किसी भी त्योहार में, किसी भी समारोह में उनको आमंत्रित नहीं करते। आमंत्रित करेंगे तो वो जो 2000 आदमी आएंगे वो उठकर भाग जाएंगे। क्या करते हैं हम, लोक व्यवहार में भी इतनी मर्यादाएं कि एक पिता अनाचारी हो जाए, उस पिता के साथ हम इतना परत्व कर लेते हैं कि हम उसको अपने किसी भी कार्य में समाविष्ट नहीं करते, और यदि कर लिया जाए तो बहुत बड़ा अहित हो जाता है। इसी तरह अपने भीतर उत्पन्न होने वाला ये अनाचार, राग द्वेष सुख दुख, ये अनाचार है, ये आत्मा का आचरण नहीं है। चाहे किसी को पीड़ा दो अथवा चाहे किसी पर दया करो, उसकी रक्षा करो, लेकिन ये दोनों ही आत्मा के उच्चतम स्वभाव की दृष्टि से आत्मा के आचरण नहीं है। आत्मा इतना उच्चतम स्वभाव वाला है, इतना ऊंचा स्वभाव वाला है कि ये कर्म उस कर्म है तो सही है, पर ये उसके लायक नहीं है, ये अज्ञानियों के लायक कर्म है। जैसे कलेक्टर की टेबल साफ करना वो चपरासी का काम है, और बैठता कलेक्टर है वहां, काम वो लेता है, लेकिन यदि वो करता है तो, और ये पता चल जाए तो उसको डिग्रेड कर दिया जाए कि तुम तो टेबल साफ करो, फैसला तो चपरासी कर लेगा। इसलिए ऊंचाइयां ऐसी होती हैं क्योंकि वो योग्यता है सुनिश्चित पद की। तो आत्मा के पद की सुनिश्चित योग्यता यह है कि ये पुण्य और पाप उसके छूने लायक नहीं है। ये ऐसी अकिंचित कर वृत्तियां हैं कि जो पैदा तो कुछ भी हो, पैदा तो मिथ्या दर्शन ही हो गया हमारे, कि जिसका कहीं कोई धरती और आसमान नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने उसका कोई विषय ही नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का विषय कहा तो जाता है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो मिथ्या दर्शन जैसा जगत में कोई पदार्थ नहीं है। तो कौन सा विषय हुआ, जब मिथ्या दर्शन जैसा जगत में कोई पदार्थ नहीं है तो मिथ्या दर्शन का विषय कौन सा हुआ। तू अपने घर में ही किया कर, ये अपने घर में ही कुल्हड़ी फोड़ते रहोगे थे, लेकिन जगत में तो मिथ्या दर्शन जैसा कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह अपने भीतर उत्पन्न होने वाली ये वृत्तियां, ये बात कक्षा जैसी समझना चाहिए
सभा को कि पहला चरण तो यह है कि हम इन दुर्वृत्तियों को अपना किया हुआ स्वीकार करें, और वह भी मैंने ना समझी में किया था। ठीक है, जैसे बालकपन में मैंने मल और मूत्र चख लिया हो, चख लेते हैं ना, बच्चे नहीं कर लेते, चख लिया तो क्या ऐसा स्वाद लग गया कि 20 वर्ष का हुआ जहां तक चखता ही रहा। अंत में जब उसे पता चला कि ये तो स्पर्श करने लायक भी नहीं है तो छोड़ देता है। उसी तरह वयस्क होने पर, हमारी वयस्कता क्या है मोक्ष मार्ग की वयस्कता, कितने 21 वर्ष तो 8 वर्ष, 8 वर्ष की वयस्कता है। 8 वर्ष में मनुष्य को, वो भी मनुष्य को, औरों को तो और जल्दी हो जाता है, मनुष्य को सम्यक दर्शन 8 वर्ष में और उसके अंतर्मुहूर्त बाद मोक्ष हो सकता है। कुल इतना काल, अंतर्मुहूर्त में सारे चारित्र की साधना हो गई और 8वें वर्ष में आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया। ये वयस्कता है। तो इतना पवित्रतम जो आत्म तत्व है उसके साथ हम हल्की या भारी, तीव्र अथवा मंद, कौन सी अपवित्रता को मिलाएं और क्यों मिलाएं? क्योंकि वो हमारा खाद्य नहीं है। जब जगत में, व्यवहार में भी हम इतना विभाजन करते हैं कि ये वस्तु हमारे खाने लायक है और ये छूने लायक भी नहीं है, इतना विभाजन करते हैं, तो यहाँ जो सीधा मोक्ष मार्ग का प्रकरण है उस अध्याय में हम ये विभाजन नहीं करेंगे तो अनर्थ कर दिया हमने। वहां तो जो अप्रयोजन भूत चीजें हैं उनमें तो हमने विभाजन किया, लेकिन जहां विभाजन करना चाहिए कि तेरा इतना आत्मा तो बिल्कुल एकदम सुंदर है और इतना सड़ा हुआ है, ये विभाजन नहीं करेंगे। तो जो सड़ा हुआ है वो काट कर फेंकना है, अलग करना है, तो उसके पहले ये मानना पड़ेगा कि नहीं कि काट कर फेंकना है, ये पहले काट कर फेंकेंगे और फिर मानेंगे। मैंने पहले से चारित्र धारण करेंगे और फिर उसका ज्ञान करेंगे, ये संभव है? इसलिए ये पहले ही निर्णय करना चाहिए, ये जो मेरा अंग है, अवयव है, सड़ा हुआ है, और सड़ा हुआ अंग मेरा कहा तो जाता है, लेकिन ये जो सड़ान है ये मेरा अवयव नहीं, क्योंकि जो अलग कर दिया जाएगा फिर भी मैं पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रह जाऊंगा, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध करती है कि वो मेरा अवयव नहीं था। अगर मेरा अवयव वो होता तो मैं अधूरा रह जाता, नहीं था वो मेरा अवयव। पसीना अपना अवयव है, कहां से निकलता है? ये नाखून अपने अवयव हैं जो आगे बढ़ जाते हैं और जिनको आजकल फैशन में बढ़ाया जाता है, ये अपने अवयव हैं। ये बाल अपने अवयव हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ये इतना ज्ञान तो अपन रखते हैं। एक व्यक्ति जो बड़े तरीके से और ढंग से नाखून की संधि से नाखून काट सकता है, वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेगा? वो जानता है कि इतना तो मैं हूं और ये शेष, पर ये आया कहां से? कि आया भी यहीं से है ये तो, अर्थात ये तो मेरा ही उत्पन्न किया गया है, मैंने ही इसे बढ़ने दिया है, ये दसों दिशाओं में से कहीं से किसी पदार्थ से आया नहीं है, इतना तो हो गया ना। इतना होने पर हमारा राग द्वेष और हमारी अनंतानुबंधी मंद कितनी हो गई, गई तो नहीं अभी लेकिन मंद कितनी हो गई, अर्थात उनके प्रति हमारा जो रोष था, क्रोध था, प्रतिकूलता की भावनाएं थी, वो कितनी चल गई कि उधर तो हमें देखना ही नहीं रहा। जैसे कोई कहे
कह रही तुम्हारे इतने बढ़ गए हैं नाखून, जरा देखो तो सही इधर उधर आसपास किसने बढ़ाए हैं, ये कौन है ये ऐसा नालायक जो ये काम करता रहता है, अपन तो चाहते ही नहीं है कि ये बढ़े, ये कौन करता रहता है ये काम। तब हमारा उत्तर केवल एक होता है, ये तो यहीं बड़ा करते हैं और मेरी गलती से ही बड़ा करते हैं, कोई जगत में इसे बढ़ाने वाला नहीं। तो ये जानने पर जगत के प्रति समता भाव कितना हो गया, रहा कोई राग, कोई द्वेष रहा? राग द्वेष आते हैं वो दूसरी बात, वो प्रश्न होगा आपका कि साहब हम तो बहुत राग द्वेष करते हैं, बहुत क्रोध आता है, बहुत मान आता है, तो वो अलग बात। लेकिन भीतर से रहे, अंदर से रहे, मैंने ममत्वशील रहे क्या हम? ये ममत्व का जाना ही सचमुच राग का प्राणांत होना। इसलिए ये बात स्वीकार कर लेने पर फिर दूसरा प्रकरण ये आता है कि जिसको मैंने कुकर्म माना है, जिसको मैंने आत्मा का हनन करने वाला वध्य घातक स्वभाव, आश्रव वो घातक है और आत्मा बद्ध है, तो जो मेरा घात करे उससे मैं प्रेम करूं? ये सामान्य बात है ना। तो आश्रव मन पुण्य और पाप का परिणाम, राग द्वेष का परिणाम, अज्ञान मिथ्या दर्शन का परिणाम, ये घातक भाव हैं। इसलिए ये जानते ही कि एक घातक है, हमारे हृदय में एक भय पैदा होता है, इनसे दूर होने का भाव पैदा होता है और इनके प्रति ममत्व तो तत्क्षण ही टूट जाता है। जिस ममत्व को तोड़ने में हमें आज भी अनादिकाल बीत रहा है, वह ममत्व तो कभी का टूट जाना चाहिए था, कितनी ही मनुष्य पर्याय अंगीकार कर ली, और मनुष्य पर्याय में नहीं तो तिरंज दशा में ही टूट जाता, नरक दशा में ही टूट जाता, देव दशा में ही टूट जाता। इसमें क्या है, इसमें कहां कठिनाई है कि सचमुच जो मेरा अवयव ही नहीं है, अंग ही नहीं है और एक्स्ट्रा है, ऊपर का है, तो वो ऊपर का ऊपर ही उतर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास कर लेना चाहिए और वह मेरा नहीं है, उससे मेरा बिल्कुल संबंध नहीं है। ये विश्वास कर लेने पर फिर उनके प्रति परत्व लगने लगता है। तो पहली बात का क्या हुआ कि जब हमने उनको स्वीकार किया था कि ये हमारे ही हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही कर्म हैं, मेरे ही किए हुए हैं, क्या वो बात थी? लेकिन अब वो अध्याय पलट गया। जैसे किसी बालक को कहा जाए कि क्यों इतने इतराते हो, आज तो सूट पहन के अपने आप को समझ रहे हो मैंने कुछ, लेकिन मालूम है तुमने क्या किया था 3 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था? अरे कि वो दिन गए, तुम क्या लाते हो? वो लाने लायक बातें हैं, वो याद करने लायक बातें हैं। उस तरह ये बातें क्या लाते हो कि तुमने अनादिकाल से राग द्वेष के साथ ऐसी प्रीति की है कि उनको अपना अवयव ही माना है, अपना अंग ही माना है, माना था। तो हम कहते हैं कि वो दिन गए, उसके बाद तो मुझे कुछ ऐसे करुणावंत गुरु मिले राह दिखाने वाले कि जिन्होंने मेरा संपूर्ण विश्वास पलट दिया। अब आज इनके साथ मुझे किसी संबंध का अनुभव नहीं होता। ये है प्रकरण कि सारे के सारे उदय के स्वाद हैं, अर्थात कर्म का उदय होता है उस समय ये भाव पैदा होते हैं, जैसे मच्छर का बुखार। हम अपना बुखार क्यों नहीं कहते? मच्छर का बुखार किसको होना चाहिए? मच्छर को। वो होता किसको है? आदमी को होता है। ये बताने की रीति कैसी आड़ी टेढ़ी है। तो ये तो दुनिया ही जानती है कि आदमी को होता है, मच्छर को नहीं होता।
लेकिन आदमी को भी किस परिस्थिति में किस संयोग में होता है यह बात तब तक नहीं बताई जा सकती कि जब तक उसे मच्छर का न कहा जाए। इसलिए हम उसे मच्छर का, काय का बुखार, शीत का बुखार, गर्मी का बुखार, टीबी का बुखार और क्यों कहा जाता है ये बात ध्यान में रखने की। क्यों कहते हैं हम, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं बल्कि एक बहुत सुंदर आशय की पूर्ति कर लेते हैं। क्योंकि ये तो एक सामान्य रीति है कि बुखार जो है वो पत्थर को नहीं होता, दीवारों को नहीं होता, किंतु मनुष्य को होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन होता कब है वो भी एक अनिवार्य परिस्थिति है, वो भी वस्तु स्वभाव में गर्भित है कि वो होता कब है। तो होता तब है कि जब मच्छर से संपर्क होता है। इसी तरह मिथ्यात्वादी, अज्ञान, राग द्वेष, सुख दुख आदि कब होते हैं? कि जब कर्म का संपर्क होने पर कर्म काटता है तब वो होता है। जैसे मच्छर आ जाए, वेर काटे नहीं तो हो क्या? तो कर्म काटता है मैंने कर्म का कि उदय रूप दशा होती है, इसलिए उसे कर्म का कहा ही नहीं जाता है बल्कि कर्म का माना जाता है। क्योंकि इधर अपने आरोग्य की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक है कि उसे मच्छर का माना जाए, वरना वो उस शरीर के साथ शामिल हो जाएगा, उससे भेद नहीं टूटेगा ना। बुखार से जिसने अपना ममत्व तोड़ लिया तो उसे मच्छर के साथ ममत्व रह गया, अथवा मच्छर के साथ ममत्व तोड़ दिया तो क्या बुखार के साथ ममत्व रह गया? ये दोनों की एक अलग कक्षा बन गई ना। और उसके बाद जो बचा हुआ है वो शुद्ध चैतन्य है, वो मैं हूं। इस तरह पवित्रता का पता चल जाने पर, निर्णय हो जाने पर, फिर उस पवित्रता की ही निरंतर आराधना होती है। वो जीव कितना भीतर से पुलकित, प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है कि मैं तो पवित्रतम तत्व हूं। अरे मैं किसी के छुए जाने से छूता नहीं, मुझे छूत नहीं लगती, मुझे नहाना नहीं पड़ता। कोई भी कितना भी जगत का अपवित्रतम पदार्थ हो, लेकिन मैं अपवित्र होता ही नहीं हूं। इतना जिसे विदित हो जाए तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं होती है। जैसे जिसे ये पता चल जाए कि मैं मरूंगा ही नहीं, मेरे तो ऋषि का वरदान है, तो उसकी प्रसन्नता की सीमा है। जाओ ना तुम हाइड्रोजन बम में, जाओ ना जहां बरसते हो वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। उसी तरह यहां भी जो पवित्रतम तत्व है और अक्षय है, उसका बोध राग द्वेष सुख दुखादि से अत्यंत भिन्नत्व के रूप में हो जाने पर जीव को कुछ सीमातीत प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब सीधा उसका अनुभव ही किया जाए तब तो प्रसन्नता की का ठिकाना रहता ही नहीं है, तो केवली जैसा हो जाता है। केवली क्या करते हैं प्रति समय, इसका बोध नहीं हो जाता उसे, तो फिर उसका मन कितना उमंगता है। वो जो रसास्वादन हुआ है और जिस तत्व के आश्रय से हुआ है, उसके प्रति उसका मन प्रति समय कितना उमंग, कितना उछाले मारता है प्रति समय। क्या अन्य के प्रति उसे कोई थोड़ा बहुत ममत्व राग रह सकता है? अन्यत्र उसका मन कहीं रम सकता है? तो इसका बल तो देखो, उस आत्मानुभूति का बल, कि वो आत्मानुभूति जिसमें वो रसास्वादन हुआ, उसका मन जगत में, इस अनंत विश्व में एक भी जगह नहीं लगता, ऐसा एक निष्ठ हुआ है वो अपने भीतर। और अपने ही भीतर हुआ है इसलिए कोई चिंता नहीं। दूसरे के भीतर हुआ होता तो निरंतर ये चिंता सिर पर सवार होती, ये कब चला जाएगा, कब इसे कोई ले जाएगा, कब छिन जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा तत्व ऐसा